दुर्गा मंदिर की तस्वीरें हैं। अब फिलहाल इनके जो शीशे के गेट्स वगैरह थे वापस अपनी जगह सही कर दिए गए हैं और जो कुछ काम बचा है वो सब भी पूरा कर लिया जाएगा। ये आपको लाइव हिंदुस्तान लाइव पर सीधी तस्वीरें उसी दुर्गा मंदिर से लाल कुआं के उसी जगह से आपको दिखा रहा हूँ, जीनत महल से, जहाँ के वो तोड़फोड़ हुई लेकिन अब सब सही कर लिया गया। वापिस लाइफ जो है वो जिंदगी ट्रैक पर आ जाए, इन्हीं तमाम कोशिशों के साथ में हम भी आप भी सभी लगे रहे और यही उम्मीद थी कि वापिस मंदिर जो है वो अपनी जगह स्थापित हो जहां हो रखा था और जितने भी शीशे वगैरह तोड़े गए थे वो सब वापिस बना दिए गए हैं, सब सही कर दिया गया है और किसी किस्म की जो गड़बड़ी करने वाले थे उस चीज को देखते हुए जीनत महल के ये बेगम जीनत महल का ये महल है जो बहादुर शाह जफर की लास्ट उस लास्ट एम्परर लास्ट मुगल एम्परर की जो वाइफ जो अहलियाँ थी बेगम जीनत महल, ये उनका महल की सीधी तस्वीरें, हालांकि बड़ी जर्जर हालत में हो चुका है लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। और ये सामने का वही तारीखी वही ऐतिहासिक गेट उसी जीनत महल का मुगलिया दौर का वही दरवाज़ा, आज तक ये फाटक उसी कंडीशन में बना हुआ है। और इसके साथ में आपको ये दुर्गा मंदिर की वो तस्वीरें जहाँ इस तरीके का वाकया पेश आया और इसके बिल्कुल बराबर में वो लाल मस्जिद, तो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा, ये पुरानी दिल्ली का इलाका, ये लाल कुएं का इलाका इसी तरीके से जाना जाता है, आपसी भाईचारा और प्यार मोहब्बत का ये इलाका इसी तरीके से जाना जाता है कि यहाँ जो लोग हैं एक ही गुलदस्ते में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी तरीके से हमेशा से एक साथ एक वक्त यहाँ रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी तरीके से कोई भी, चाहे त्यौहार हो चाहे तीज हो या कुछ, एक साथ ये तमाम लोग मनाते आए हैं। कुछ लोग जो हैं वो जानबूझकर इनको भड़काना चाहते हैं, जिसमें कोई पार्टी के नेता भी हैं। कुछ पार्टी के नेता हैं विजय गोयल का कहना है और जो इस वक्त में खास तौर से यहाँ पहुँचे थे लोगों को समझाने बुझाने और उनमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो उन हालात के लिए जो मैं आपको सीधे तौर पर इसी लाल कुआं के इलाके से दिखा रहा हूँ। बहुत समझाया कि हमारी जो तहजीब है गंगा जमुना, हमेशा हम एक साथ भाईचारा रखा है, कभी हुआ ही नहीं एक शैतान आ रहा था आएगी वक्त खराब था या तकदीर खराब समझ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब एक है और रहते हैं सब एक साथ इसी इलाके के अंदर हमेशा से ऐसे ही रहते आए। पुरानी दिल्ली का ये तारीखी वो इलाका जहाँ इसी तरीके से प्यार मोहब्बत भाईचारा अमन और स्वभाव ऐसे ही हमेशा बना रहा और आज वही तस्वीरें आपको उसी जिंदा दिल्ली के साथ दिखाना चाहूँगा। पुरानी दिल्ली के उन्हीं बाजारों से वही फराज खाना, वही बल्ली मारान, रोजगरान और लाल कुआं का ये वो रोड जहाँ से लोग लगातार पिछले 2-3 दिन में इसी बात को लेकर के टेंशन में थे कि कारोबार बिल्कुल बंद हो गए थे, आपस में जो अफवाहों का बाजार था वो गर्म था और जो लोग हैं वो इसी चीज़ को लेकर के खासे परेशान नजर आ रहे थे। हर कोई अमन चाहता है, भाईचारा प्यार मोहब्बत चाहता है। थाना हौसकाजी को किस तरीके से लाल कुआं के इलाके को जो तहजीब और तमतुन के नाम से जाना जाता है, जहाँ की संस्कृति, जहाँ का कल्चर सारी दुनिया मशहूर है, जहाँ डंडोरे पीटते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम एक ही गुलदस्ते में हमेशा रहते रहते हैं। मेरे साथ उसी मंदिर के, दुर्गा मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं। मैं पंडित जी आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं और जिस तरीके से इमाम याकूब नूरी ने कहा आपको भी बहुत बहुत मुबारक कि आप लोगों ने इस वक्त में समझदारी का परिचय देते हुए पूरे तरीके से इस मामले को उन शरारती लोगों के हाथ में नहीं जाने दिया और वापस एक प्लेटफॉर्म पर आए, क्या कहना चाहते हैं? और ये बहुत अच्छा कार्य हुआ कि हम आपस में भाई भाई मिलकर के अब चलेंगे यहाँ पर। कभी 26 साल हो गया मुझे, कभी इस तरह का कोई माहौल नहीं पैदा इसी दुर्गा मंदिर में आपको सेवाएं देते हुए 26 साल हो गया। अच्छा, और यहाँ पर कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ये खुराफाती थे तो पता नहीं यहाँ के थे या बाहर से आए थे, मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि रात का समय था, रात में कोई जान नहीं पाता कि कौन कहाँ का है कौन कहाँ का नहीं है। तो इस तरह से पंडित जी समझौते में क्या हुआ अंदर? समझौते में यही हुआ कि हम भाई भाई रहेंगे, कोई लफड़ा नहीं होगा, हमारी दुकानें खुलेंगी, आपस में कोई मैटर नहीं। जो खुराफाती तत्व है उनको पकड़ करके उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी, जो नहीं पकड़ेगा उनको फिर से पकड़ा जाएगा। लगातार पंडित जी जो लोग आश्वासन दे रहे थे कि हम आएंगे और उन्होंने बार बार कॉल किया दिल्ली के कई इलाकों से, हरिनगर से, त्रिनगर, भजनपुरा वगैरह वगैरह, उन लोगों को अब आप लोग रोकेंगे पूरी तरह? मैंने उनको कभी भी अपने तरफ से कोई लाइन नहीं दिया कि आकर के मेरे मंदिर पर बात की है। मैं कभी भी अपने घर से नीचे नहीं आया। इसी चक्कर में पूरे इलाके के लोग जानते हैं कि मेरे लफ्ज मुंह से एक लफ्ज भी गलत नहीं निकला, इलाके के लोगों के लिए एक लफ्ज भी नहीं निकला। मैं तो अपने घर पर बैठा हुआ, खासी कारण की वजह से हमारे मंदिर के प्रधान जी हैं ये, और इन्होंने भी बहुत सहयोग किया है इस बात को दबाने के लिए कि पंडित जी हम सब लोगों को यही इतना कमाना खाना है तो इतना माहौल ना बिगाड़ा जाए, क्योंकि बाहर के लोग चाहते हैं कि इस तरह से माहौल बिगड़े, बाहर लोग आते हैं माहौल बिगड़े। लेकिन इमरान हुसैन आपकी भी कोशिशें जिस तरीके से देखी गई वो काबिले तारीफ है। आप भी और खासतौर से बिट्टू आपसे भी जानना चाहूंगा
कि इस वक्त में जिस तरीके से आप लोगों सबर तमुल से काम था, पेशेंस के साथ में आप लोग चले आगे, अपने लोगों को आप समझाना चाहेंगे? हम लोगों का पहले दिन से मैसेज ये था कि हम लोग शुरू से आपस में रहते हैं जी, और बचपन से हम लोग यही बले पड़े हैं, यही खेले कूदे हर गली में। कोई ऐसा मैसेज ना हो जो बाहर के बंदे जो कर गए उनको, हमने पुलिस शुरू से कोशिश की है कि उनको पकड़ा जाए, और हम लोग आपस में अमन चाहते हैं और शुरू से है ही अमन, और सब लोग इकट्ठे सारे त्यौहार इकट्ठे बनाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं सब लोग की बाजार पूरा खुले और जो पहले यहाँ का माहौल था बना रहे। एक प्यार का एक अमन का संदेश लेकर के ये लोग तमाम यहाँ से इस वक्त में जो आप देख रहे हैं सभी आगे की तरफ अब इलाके में जाके बताएंगे। पंडित यादवेश्वर आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, अब उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार मुंह चढ़ा रहे थे आकर के यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के भाईचारे को और तहजीब को क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि मैं उन सब लोगों का जो मुंह चढ़ा रहे थे या जो नहीं चढ़ा रहे थे, जो हमारे साथ थे, जो ये चाहते थे कि भाई यहाँ पर सुख शांति बनी रहे, पूर्णमन तरीके से ज़िंदगी बसर रहे, बाज़ार खुले और सुख शांति रहे, वो उसमें हमें कामयाबी मिली। दूसरी बात ये, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ आकर के फिज़ा को ख़राब करना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, हमारी मेहनत का असर था ये। तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये खुशी की बात है, और फिर पुलिस का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्होंने बड़ी पेशेंस से काम लिया, तो उन्होंने ये देखते हुए कि भाई कौन आदमी क्या कर रहा है, उसके बावजूद भी कोई उन्होंने कोई शक्ति का जो है कोई इस्तेमाल नहीं किया। इमरान हुसैन आपसे जानना चाहूंगा, जो लोग सीसीटीवी में आए हैं और उनको उठाया जा रहा है कल से, क्या दोनों ही पक्षों की तरफ से इस बात की दलील रखी गई उस कॉम्प्रोमाइज के दरमियान में कि उन लड़कों को छोड़ा जाए, या क्या कानून व्यवस्था जिन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की उनके लिए क्या एक्शन अंदर कह रहे हैं कि आप लोगों ने कहा बच जाए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आज जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो माहौल बिगाड़ना चाहते थे यहाँ बाहर से आकर या यहाँ के, आज पुरानी दिल्ली के लोगों ने, लाल कुएं के लोग, हिंदू मुसलमान दोनों ने उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, और उन्होंने दिखा दिया है कि हम सब लोग एक हैं, और गंगी जमनी तहजीब का जो मुजाहरा हिंदुओं ने और मुसलमानों ने दोनों ने किया है, इसके लिए मैं दोनों ही फिरकों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बात बढ़ने से रोक दी और जो बैड एलिमेंट्स हैं चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि बुराई का कोई मजहब नहीं होता, ना वो हिंदू होता ना मुसलमान होता, ना अंत है उसका, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप लोगों ने अंदर यही बात की कि जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हमने उनसे ये कहा है किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, जिस आदमी ने गलत किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, हम सब लोग एक हैं, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पंडित जी, मंदिर का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी अब लोग कर रहे हैं? हमारे प्रधान जी का कहना है जी कि हम अपना खुद कर लेंगे अपने गली, लेकिन आपको एक पेशकश आई थी मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी कि हम बनवाने को तैयार हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे प्रधान जी का कहना है कि मतलब हम खुद कर लेंगे, मंदिर में मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवा करके जो भी बिगड़ा हुआ है हम खुद कर लेंगे। बिल्कुल, हम सब बिट्टू, मैं आपसे भी इसी बात पे रिएक्शन लेना चाहूंगा। ऐसे हमने किसी की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिर का मामला मंदिर मस्जिद में क्या है, जो अपने लोग उसको लगाते हैं उसमें ज्यादा बेटर रहता है, नहीं तो उसमें क्या होता है और ज्यादा लोगों के मनों में फर्क आता है। हम लोग सब वैसे सब एक ही हैं, मगर हम लोग कोई ऐसी बात नहीं चाहते, हम लोग खुद ही करेंगे और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और कोई माहौल खराब नहीं होगा, हम लोग सब भाईचारे से रहेंगे। जैसे मौलाना याकूब सबरी, अब जो है आप लोगों को क्या समझाएंगे इस वक्त जाकर के, खासतौर से उन नौजवानों को जो लगातार कुछ सोच रहे थे, बताइए? मैं उन तमाम नौजवानों को ये समझाऊंगा कि हम यहाँ हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं और हमेशा मोहब्बत प्यार से रहेंगे, और मैं आप सबके हजरात की तरफ से थाना हाउस ताजी की पुलिस को यहाँ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई सब्र से काम लिया और हालात को बहुत संजीदगी और हिकमत से उन्होंने लिया और कोई फसाद बढ़ने नहीं दिया। ये दिल्ली पुलिस, यहाँ थाना हाउस काजी की पुलिस सब मुबारकबाद की मुस्तहिक है, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ सब लोगों की तरफ से, हिंदू और मुसलमान सब। बिल्कुल, तो ये आपको सीधी तस्वीरें मैं इस वक्त में दिखा रहा हूँ इसी हाउस काजी के इलाके से, जहाँ खुशी की लहर दौड़ पड़ी इस खबर के बाद कि दोनों ही समुदाय हिंदू और मुस्लिम दोनों वापस एक हुए हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जो पिछले कई दिन से लगातार आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग न्यूज़ चैनल और अखबारों पर देखते आ रहे थे कि किसी तरीके से यहाँ पर बदअमनी कायम हो, इसकी लगातार कोशिश की गई, लेकिन इस वक्त में आके शाम के लगभग 7 बजे का वक्त है और एक बहुत खुशी की खबर आप सभी लोगों से साझा करना चाहता हूँ इसी थाना हौसकाजी के इलाके से,
लाल कुआं से, जहां ये देख सकते हैं कि जो लोग हैं बड़ी तादाद में इस वक्त हौसकाली थाने की तरफ से आ रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं इसी बात को लेकर के कि जो दोनों समुदाय के बीच में जो झगड़ा था वो खत्म हो गया और जिस तरीके के इख्तिलाफात थे, जिस तरीके की जो मामला थे वो किसी तरीके से हल हो गए और निपटा दिए गए। ये तमाम लोग जिनमें पंडित भी हैं, जिनमें इमाम भी हैं, जिनमें हिंदू भी हैं, जिनमें मुस्लिम भी हैं, जिनमें सिख भी हैं, सब एक साथ उसी तरह से कदम मिलाते हुए इस वक्त आगे जाते हुए देख रहे हैं। उसी आबादी वाले, वही गुंजान आबादी वाले इलाके लाल कुएं की तरफ, उसी गुंजान आबादी वाले इलाके फराजखाना और बल्ली मारान की तरफ ये सभी लोग आपको ऐसे ही जाते हुए और खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज होगा, सिचुएशन थी वो कंट्रोल कर ली गई। और खासतौर से बताना चाहूंगा कि इस वक्त में उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ आकर के हिंदू मुस्लिम एकता निकालना चाहते थे, जो लोग तरीके की हिफाजत कर रहे, इनके कंधे पर जिम्मेदारी थी पूरे इलाके के अंदर के बदअमनी नहीं कायम हो। ये सीआरपीएफ के जवान, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां, ये दिल्ली पुलिस के जवान और अलग अलग इलाकों की पुलिस फोर्स इस वक्त में काबिले मुस्तैक मुबारकबाद के है, जिसने लगातार इन पुलिस के जवानों ने दिन रात पिछले 3 दिन से मेहनत करके इस वक्त इलाके की जो स्थिति बदनी उसको नहीं खत्म होने दिया। और खासतौर से ये तस्वीरें आप लोगों को मुझे यहाँ से बराह रास्त लाइव करने में इस बात की मुसर्रत होती है, इस बात की खुश होते हैं कि ये तमाम लोग इस वक्त में खुश होते हुए अपने घरों को लौट रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से परेशान बार बार निकल करके आ रहे थे, जिन्हें लगातार तकलीफ हो रही थी इस बात को देख करके कि हमारे इलाके को आखिर नजर किसकी लग गई, आखिर हुआ क्या कि किसकी वजह से इलाके के अंदर इतनी बदमनी छाई हुई थी। और मैं आप बता दूं, जो छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं यहाँ के रहने वाले, उन लोगों के दिल में इस बात का एहसास हो रहा था जिन्होंने कभी नहीं देखा था कि लाल कुआं जैसे इलाके में, पुरानी दिल्ली के इलाके में कभी लड़ाई झगड़े आपस में दंगा फैलाते हो। यहाँ के बच्चों ने, यहाँ की पूरी एक जनरेशन ने 1992 के बाद से अब तक, जो कि जवान हो चुके और उन बच्चों के भी बच्चे हो गए, उन्होंने कभी भी नहीं देखा था इस तरीके से कि आपस में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा किसी बात को लेकर के हो रहा हो। और जैसे लगातार पिछले 3 दिन से आपको दिखाता आ रहा हूँ, इस वक्त में मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन तमाम लोगों को, दोनों ही फिरकों के लोगों को, जिसमें हिंदू भी हैं, जिनमें मुस्लिम भी हैं, जिनमें सिख भी हैं और ईसाई भी हैं, जितनी भी परसेंटेज इन लोगों की आपस में यहाँ के रहने की कम और बढ़ती है, लेकिन कभी भी आज तक इस तरीके के मामला छोटी छोटी बातों को लेकर के नहीं हुए। ज़रूर एक छोटा सा मसला हुआ है गाड़ी को लेकर के, उसको तूल दिया गया इतने ज़्यादा लोगों के जरिए जो कि शरारती तत्व थे, जिनका कोई सरोकार नहीं इलाके की अमन कायम रखने में। और मैं खास तौर से कहना चाहूँगा, बिट्टू आप अपने लोगों को इस वक्त जाके बताना चाहिए। हम जा रहे हैं और चल रहे ना, 2 मिनट नहीं नहीं आप अरे साथ चलो ना यार। हाँ 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 बताइए बताइए, चलो बताओ। नहीं देखते हैं, चल रहे हैं, खुलवा रहे हैं बाजार, खुलवा रहे हैं। तो ये जो बाजार आप बंद देख रहे हैं लाल कुएं का, इस वक्त में थोड़ी ही देर के अंदर अंदर, क्योंकि अब जब कॉम्प्रोमाइज हो चुका, तो ये जो बाजार की तस्वीरें आपको सभी को दिखा रहा हूँ, ये इस वक्त में थोड़ी ही देर जा रही है कि इन तमाम दुकानों को खोल लिया जाएगा। और इस वक्त में जिस तरीके से आप यहाँ ये देख रहे हैं कि जो मस्जिद सब्ज के नीचे जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ आपस में एक दूसरे से गले लगते हुए, गले मिलते हुए लोग नजर आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में सारी कहानी इन्हीं तस्वीरों की जुबानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से प्यार मोहब्बत अमन और भाईचारे का पैगाम देने वाला ये इलाका लाल कुआं, ये बल्ली मारान, ये ऐतिहासिक गालिब का मोहल्ला हमेशा से उसी तरीके की प्यार मोहब्बत, और खास तौर से बताना चाहूँगा कि सद्भाव की आपसी भाईचारे का हमेशा से मिसाल देता चला आया है। और इस वक्त ये तमाम लोग जो आपको थाने से बाहर निकलकर इस वक्त लाल कुआं की तरफ, उसी मकाम की तरफ जहाँ वो दुर्गा मंदिर है, उधर जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। और ये सभी लोग एक दूसरे को जगह जगह जिन गलियों के बाहर लोग वेट करते हुए नजर आ रहे थे, हालात जानने के लिए लोग परेशान थे, वो इस वक्त में बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा 2 दिन की लगातार कोशिश के बाद किस तरीके से आप लोगों को ये कामयाबी मिली, इसका सेहरा किसके सर जाना चाहिए? आवाम के सिर जाता है इसका फैसला, और हमारे इलाके के बच्चा बुजुर्ग माँ बहने उनकी दुआओं से और हमारे भाईचारे की मोहब्बत से हुआ है। और इंशाल्लाह ऐसे ही अमन अमान के साथ सब रहेंगे
पुरानी दिल्ली जिंदाबाद। ऐसे अमन अमान के साथ सब रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इससे सबसे बड़ी बुनियादी बात यह दिल्ली पुलिस का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम करा है, अच्छा काम करा है। और हमारे फरहान याहिया जो एक नंबर काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें खूब तरक्की दे, आगे बढ़े। लोग ये इनकी मोहब्बत है, ये इनका प्यार है, किस तरीके से खुलूस के साथ में ये लोग मेरा नाम लेकर के मुझे बोले। लेकिन मैं त्योहार से कम नहीं है, आज ये कह रहे हैं जो मिले हैं कि आज का दिन हमारे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं। और जिस तरह से इस वक्त में इमाम याकूब नूरी ने अब से चंद लम्हों पहले एक बात कही थी कि ईद के दिन की मनाने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी कि आज के दिन, आज का जो ये समझौते का दिन है, जो आज दोनों हिंदू मुस्लिम फरीकान एक साथ फिर से मिले हैं, फिर से एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, उसको देखते हुए जो खुशी का ये लोग इजहार कर रहे हैं, वो बताते हैं कि ईद के दिन की खुशी से ज़्यादा आज की दिन की खुशी है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ दुर्गा मंदिर के बाहर से। ये लोग यहाँ बहुत एक्साइटमेंट खुशी के साथ में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। भाई गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ की, और जो हुआ बहुत गलत हुआ, जो कि आगे से नहीं होना चाहिए और ना आगे होना चाहिए, होगा भी नहीं। अब दोनों लोगों में, दोनों समुदाय में कॉम्प्रोमाइज हो गया। हाँ, इस बात की खुशी है आपको? खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत बच्चे अपने रोजगार पे जाएंगे, हर आदमी पे काम धंधा देखेगा। बच्चे 3 दिन से परेशान है, हर आदमी एक एक आदमी दुखी है यहाँ पे। अब जो है खुशी है इस चीज की नौजवानों में भी, कोई परेशानी नहीं है, सब पुराना माहौल वापस कायम हो जाएगा। वो पुराना माहौल तो अब आप और हम सब मिलकर ही कायम करेंगे। और जितने भी लोग यहाँ ये गवाह बन रही हैं, वो तस्वीरें जो इस वक्त में सारा देश देख रहा है, जो इस वक्त में सारी दिल्ली देख रही है, ये तस्वीरें गवाह बन रही हैं उसी प्यार मोहब्बत की, भाईचारे की, अमन इत्तेहाद और इत्तेफाक की। ये तस्वीरें गवाह बन रही हैं उस इंसानियत की जो इस पुरानी दिल्ली में हमेशा से रही है। ये तस्वीरें गवाह बन रही हैं उस कल्चर की, उस तहजीब की, उस तमद्दुन की, जिसके लिए ये पुरानी दिल्ली हमेशा से जाना जाता है। पंडित जी, बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त दोबारा फिर पूजा और वक्त वही लौटा। क्या कहना चाहते हो पंडित जी, सबको क्या पैगाम देना चाहते हो? पैगाम यही भैया, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, जो गलत हो उसका विरोध सबको करना चाहिए, हमें भी आपको भी। भाई तुमने गलत किया, इसकी जगह तुम बोलो, हम भी मिला बस। अब आपसी भाईचारा और प्यार मोहब्बत कायम रहे, ये कामना करते हो? ऐसा यहाँ था, आज भी है, और 2 दिन ये था तब भी था। हमें कहीं कोई किसी ने कुछ ना तो कहा और ना कहीं हमें किसी ने रोका, ना कहीं रोका ना कोई बुरे। आपसे भी जानना चाहता हूँ, बड़ी कोशिश आपकी भी रही अमन को वापस लाने में, क्या कहना चाहोगे तमाम भाइयों के लिए, हिंदू मुस्लिम भाई? एक से रहेंगे भाईचारे से, जैसे पहले से रहते हैं वैसे रहेंगे, ऐसे ही भाईचारे से रहते आएंगे। तो ये वो तमाम सबकी कामनाएं हैं, सबकी ये वो दुआएं हैं कि जो लोग हैं वो आपस में उसी प्यार मोहब्बत और भाईचारे से रहना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया कि चंद मिनटों पहले उसी सामने जो लाल मस्जिद देख रहे हैं वहां से अजान की आवाज़ आई, और अब थोड़ी ही देर पहले जो आपने कुछ सेकंड पहले सुना वो इस लाल कुआं के मंदिर के घंटों की आवाज़ सुनी। हमेशा जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया कीजिए, और ख़ासतौर से सोशल मीडिया पर, चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, चाहे फेसबुक पर या यूट्यूब पर, जो लोग भी तरह तरह से अमन को ख़राब करने की, जो माहौल को बिगाड़ने की, जो फिज़ा को बुरा करने की कोशिशें करते हैं, उनको जवाब देना आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप, हम सब लोग एक साथ अमन और प्यार मोहब्बत को पसंद करते आए हैं, और इन्हीं हालात के साथ में आगे भी रहना चाहेंगे, ताकि ज़िंदगी अपनी उसी रफ्तार पर, उसी पटरी पर दौड़ती रहे। हर शख्स जो जिस काम में मसरूफ़ है वो वही करता रहे, इन झगड़े फसाद लड़ाई दंगों के बीच में उलझ करके ना रह जाए, यही कोशिश, यही कामना हमारी भी है। और उसी तरीके से प्यार मोहब्बत, भाईचारा, अमन, इत्तेहाद और इत्तेफाक आपस में, दोनों ही मजहब के नहीं, सभी मजाहिब के लोगों के बीच में, सभी धर्मों के मानने वालों के बीच में ऐसे ही बना रहे जैसे सदियों से, हमेशा से बना चला आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सबका, हिंदुस्तान लाइव पर मेरे साथ इतने पेशेंस के साथ में देर तक जुड़ने के लिए।